हेलो स्टूडेंट, आज हम हेलो एल्केन में हम कल पढ़ रहे थे क्लोरोफार्म में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफार्म वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लोरोफार्म बनाने की अभी हम विधि पढ़ रहे हैं। क्लोरोफार्म बनाने की विधि में मैंने आपको कल इसकी IPSC के बारे में बताया था, इसका अणुसूत्र बताया था, और बनाने की विधि में मैंने बताया था कि क्लोरोफार्म दो तरह से बनेगा। एक बनेगा एथिल अल्कोहल से क्लोरोफार्म बनाना और दूसरा बनेगा एसीटोन से क्लोरोफार्म बनाना। ठीक है, तो मैं आज आपको एसीटोन से क्लोरोफार्म बनाना सिखाऊंगा। एथिल अल्कोहल से क्लोरोफार्म बनाना मैं कल आपको सिखा चुका हूं, आज हम लोग पढ़ेंगे एसीटोन से क्लोरोफार्म को बनाना। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं हेलो एल्केन के चैप्टर में। हेलो एल्केन के चैप्टर में एसीटोन से क्लोरोफार्म बनाना। देखिए किस तरह हम लोग एसीटोन से क्लोरोफार्म बनाना बनाएंगे। इसके लिए देखिए, सबसे पहले इसकी भी देखिए कल की तरह ही रिएक्शन है, बस थोड़ा सा अंतर है इन रिएक्शनों में, बस थोड़ा सा अंतर है। देखिए पहली रिएक्शन तो वैसे ही चलेगी। देखिए कल आपने क्या देखा था, कल देख लीजिए, कल आपने पहली रिएक्शन लिखी थी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। फिर से देखिए बेटा, कैल्शियम CA को बोला कैल्शियम, O को बोला ऑक्सी और Cl2 को बोला क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की क्रिया किसके साथ कराई, जल के साथ कराई, तो क्या प्राप्त हुआ बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या प्राप्त हुआ, क्लोरीन प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर से देखिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की क्रिया किसके साथ कराई, जल के साथ कराई, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, और साथ ही साथ क्या प्राप्त हुआ, क्लोरीन प्राप्त हुआ। ठीक है, आप देखिए एक CA है, एक CA है, कितने ऑक्सीजन है, एक और दो, ये देखिए दो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, दो दो हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, और Cl कितने हैं, दो। तो ये पहली रिएक्शन तो होगी ही होगी। ठीक है, वहां पे क्या चेंज होगा, सिर्फ एथिल अल्कोहल की जगह हम क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे वहां पे एसीटोन। तो चलिए आज शुरू करते हैं, पहली रिएक्शन वैसे ही लिखेंगे, आज हम लिख के दिखाएंगे। कल मेरी रिएक्शन डिलीट हो गई थी, इस वजह से हमने कल आपको लिखा हुआ ही समझा दिया था, परंतु आज ऐसा नहीं करेंगे, आज एक एक स्टेप लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहला स्टेप बनाने के विधि में होगा, जो रिएक्शन होती है वही हिंदी लिखते हैं बेटा। ठीक है, तो टफ नहीं है, वेरी सिंपल, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लिखेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाए मगर समझ में आना चाहिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की क्रिया जल के साथ कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड यानी बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना, व क्लोरीन प्राप्त होता है। आप पेपर में चाहें तो केवल रिएक्शन ही रिएक्शन लिख दीजिएगा, हिंदी मत लिखिएगा, हम यहां आपको पूरा समझाने के लिए कर रहे हैं। फिर से देखेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यहां लिख लेंगे CaO Cl2,
सीए को बोला कैल्शियम, ओ को बोला ऑक्सी और सीएल टू को बोला हमने यहां पे क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। फिर से देखिए, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। पेपर में ये सब लिखेंगे तो इससे इफेक्ट पड़ता है, बहुत बढ़िया इंपैक्ट पड़ता है, वहां पर आपकी कॉपियां बहुत अच्छी नंबर से चेक होंगी। की क्रिया किसके साथ, जल, जल मतलब H2O को कहते हैं जल। अगर नहीं पता है तो जानिए, देखिए कभी आदमी सीखता है तो छोटी छोटी चीजें ही नहीं पता होती तो सीखिए, H2O को कहते हैं जल, तो क्या बनेगा, CaOH का होल अप टू, Ca को बोला कैल्शियम और OH को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड। ये देखिए कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, तो यहां लिख देंगे बुझा हुआ चूना, ठीक। और ये जो आप Cl2 देख रहे हैं, ये Cl2 यहां पर यानी क्लोरीन, क्लोरीन अणु, क्लोरीन अणु क्या होगा, पूरा पूरा अलग हो जाएगा। मैंने कल बताया था आपको, सिया लगा खाली लिखा है तो क्लोरीन परमाणु है, ध्यान रखिएगा। अगर Cl2 लिखा है तो क्लोरीन क्या है, अणु है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। पहला स्टेप कल की ही तरह है, कोई चेंज नहीं है, सब वही चीज लिखी हुई है। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में अब हम चेंज कर देंगे, जहां पे हम एथिल अल्कोहल ले रहे थे पिछली रिएक्शन खोल के देखिएगा, वहां पे हम क्या लेंगे, एसीटोन। तो एसीटोन की क्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर ट्राई क्लोरो एसीटोन, ट्राई क्लोरो एसीटोन व हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक है। तो एसीटोन का फार्मूला आपको पता है कि नहीं पता, अगर नहीं पता है तो जानेंगे आज हम लोग। एसीटोन को हम इस तरह थोड़ा बेटा लिखेंगे, CH3CO CH3, ठीक है, ये एसीटोन है। आप एसीटोन को इस तरह भी लिख सकते हैं, जहां पे तारीख लिखने वाला होता है वो स्थान इंपॉर्टेंट चीजों के लिए रखा करिए, एसीटोन को ऐसे लिख सकते हैं CH3CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको एसीटोन कहते हैं। देखिए यहां पर ये CH3 लिखा हुआ है, यहां भी देखिए CH3 लिखा हुआ है, फिर क्या है CO है, फिर क्या है CO है, और फिर देखिए यहां पे CH3 आ गया, फिर देखिए यहां पे CH3 आ गया, CH3CO CH3 CH3CO CH3, वही सूत्र है, कोई अंतर, बस मैंने लिखने का ढंग बदल लिया है। क्यों, उसका रीजन है, और किससे क्रिया कराएंगे, क्लोरीन से, लिखा भी है एसीटोन की क्रिया क्लोरीन से, क्लोरीन के साथ कराने पर, ठीक है। तो यहां पर कितने क्लोरीन, वहां कितने क्लोरीन यूज किए थे, तीन, यहां भी तीन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तीन H और यहां पर तीन दुनी छह Cl है ना, तीन दुनी छह Cl है, तो इसके तीन Cl और तीन H ये वाले हटाएंगे, तीन H और तीन Cl निकल गए, ये देखो तीन H और तीन Cl, तो ये H तीन निकल गए, तो बचा क्या C, अभी तीन दुनी छह
छह सीएल में तीन सीएल यूज कर चुके, तो तीन बचे ना, तो तीन जो एच हमने हटाए वो यहां पर हमने लगा दिए सीएल। जहां पे हमने तीन एच हटाए थे, फिर से ध्यान दीजिएगा, तीन एच जहां पे हटाए हैं उस जगह पे तीन सीएल लगा दिए हैं, बाकी वैसे ही लिख देंगे, कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए तीन दुनी छह सीएल हो, देखिए तीन ये सीएल हो गए और तीन ये सीएल हो गए। ठीक है, नाम देख लेते हैं, तीन को बोलेंगे ट्राई, सीएल को बोलेंगे क्लोरो, और ये सूत्र किसमें चेंज कर रहे हैं, एसी टोन में। फिर से ध्यान रखिएगा, तीन को बोला ट्राई, ठीक है, सीएल को क्या बोला क्लोरो, और ये किस सूत्र में चेंज कर रहे हैं, एसी टोन में। एच को क्या बोला हाइड्रोजन, सीएल को क्या बोला क्लोराइड। अब देखिए हाइड्रोजन देख लीजिए, तीन और तीन छह, तो यहां तीन हाइड्रोजन ये हो गए, तीन ये हो गए, छह हैं। ओ देखिए, जब ओ बैलेंस है सब कुछ बैलेंस है, एक ओ है, एक ओ है, सब कुछ बैलेंस है। अब तीसरा स्टेप क्या आ जाएगा, तीसरा स्टेप आ जाएगा, देखिए ट्राई क्लोरो एसीटोन की क्रिया लास्ट में क्या, यहां क्लोरीन ले चुके हैं, अब क्या बचा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया, की क्रिया कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ कराने पर क्लोरो फार्म जो मेन है प्राप्त हो गया, व कैल्शियम एसीटेट प्राप्त होता है। ठीक है, आइए रिएक्शन देखते हैं, यहां पन्ना भर गया है तो यहां पे देखेंगे, तो वैसे लिख लेंगे, सेम ढंग वही होगा, CaOH, ठीक है, यही तो लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह सीए को क्या बोला, सीए को क्या बोला कैल्शियम, और ओएच को क्या बोला हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो यहां सीए है, ओएच कितने हैं, दो है ना, दो ओएच लिखे, तो इसको लिख दिया मैंने फिर से, सीए को क्या बोला कैल्शियम, ओएच को क्या बोलना हाइड्रा ऑक्साइड। भाई मेहनत करता हूं तो थोड़ा लाइक दबा दिया करिए, बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, ईमानदारी से पढ़ाता हूं। अब ट्राइक्लोरोसिटेट दो बार लिख लेंगे, जैसे कल मैंने लिखा था क्लोरल, कल मैंने दो बार लिखा था, वैसे ही यहां पर ट्राई क्लोरो, तीन को बोला ट्राई, सीएल को बोला क्लोरो, और क्या है का सूत्र है, ये किस चीज का सूत्र है, एसीटोन। अब देखो मैं डिब्बे में क्या बन कर रहा हूं, उतना भाग मुझे एडजस्ट करना है। ठीक है, मैंने तीर बना दिया। ठीक है, देखिए CHCl3 कितनी बार बोला मैंने, CHCl3 दो बार बोला, और यही क्लोरोफार्म का सूत्र होता है, क्लोरोफार्म में हमको यही बनाना है, और यहां जगह नहीं है तो मैं नीचे प्लस बना लेता हूं, तीर के इधर ही प्लस बनाइएगा, आप लोग नई लाइन से शुरू करते हो, लिखने का ढंग गलत होता है। अब जो बचा है लिख लीजिए, क्या बचा है, CA, ये O बचे हैं, फिर क्या बचा, ये OO लिखेंगे, पहले लिख लिया, फिर CC पहले लिखा, फिर CH3 लिखेंगे, थोड़ा सा ढंग ऐसे होता है। ठीक है, और करके भी लिख देता हूं, CH3COO कितनी बार, CH3COO कितनी बार बोला, दो बार,
और ये CA, CA को क्या बोला, कैल्शियम, और इतना भाग कहलाएगा एसीटेट। CH3COO कितनी बार है, होल ट्वाइस, और ये CA, ठीक है, CA को बोला कैल्शियम, CH3COO का होल ट्वाइस क्या है, एसीटेट। वहां पर क्या था, कल था आपका CA, और ये HCOO को क्या बोल रहे थे, फार्मेट बोल रहे थे। बस यहाँ पे H की जगह CH3 आ गया, वहां पे H की जगह क्या आ गया, CH3 आ गया, तो ये हो गया एसीटेट। तो इस तरह आज आपने पढ़ा एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाना, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको तैयार करिएगा, जो समझ में ना आए कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, साथ ही साथ कमेंट भी करिए, ठीक है, और जवाब भी जरूर दिया करिए। आप लोग जवाब नहीं देते हैं, इसका हमें बहुत खलता है, ठीक है, थैंक यू।